गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की उर्दू की कायद व इंशा में से मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है आबे जमजम। आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि जहां आज मक्का मुकरमा का मुतबरक शहर आबाद है, वहां रेत और सड़ी हुई पहाड़ियों के सिवा कुछ न था। दूर दूर तक किसी जानदार का गुमान तक न था। इसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने नन्हे चंद रोज़ा बच्चे को लेकर यहाँ आए और इन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहाँ छोड़कर चले गए। माँ अपने नन्हे शीरख्वार को लिए एक पहाड़ी की ओट में बैठ गई। सूरज बुलंद होता गया, धूप की तेज़ी बढ़ती गई, ज़मीन तपती, हवा जली, गरम लू के भभूके आने लगे, पानी की छागल खुश्क होने लगी और ज़रा सी देर में सूख गई। माँ बच्चे के होंठ सूखे, फिर ज़ुबान खुश्क हुई। माँ घबराई, नन्ना सिसकने लगा, माँ के होश उड़ गए, अपनी प्यास भूल गई, बच्चे की हालत देखकर तड़पी, इधर उधर देखा, रेत के ज़र्रों के सिवा कुछ नज़र ना आया। ऊपर देखा, आसमान को दूर पाया, नीचे देखा, ज़मीन को तनूर पाया। पानी पानी, एक घूंट, एक कतरा, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, शीरख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा, इस जंगल में, इस बियाबान में, इस रेगिस्तान में, आग को गुलिस्तान बनाने वाले, इस आग के दरिया में पानी का चश्मा बहा, मेरे नन्हे को एक पानी का कतरा अता फरमा। अल्लाह मियाँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, इस नन्ही जान पर करम फरमा। बच्चा प्यास से बेहोश हो चुका था, कभी कभी टांगे हिला देता। माँ ने अपने मुंह से लुआब निकाल निकाल कर इसके मुंह में डाला, मगर दिन की तमाज़त ख़त्म हो तो ज़िंदगी की उम्मीद पैदा हो। ज़रा देर को बच्चे के सांस की हालत ठीक होती, फिर वही खुश्की रगें तक खुश कर देती। आखिर बच्चे की हालत नहायत नाजुक हो गई। माँ देख ना सकी, मुस्तराबाना उठी, बच्चे को ज़मीन पर लटाया, मरवा पहाड़ी पर चढ़ी, बेताबी से इधर उधर देखा, पानी का निशान तक ना पाया, फिर सफ़ा की पहाड़ी की तरफ भागी। साथ साथ भागती जाती थी और साथ साथ बच्चे की तरफ देखती जाती थी कि कोई दरिंदा नुकसान ना पहुंचाए। अब माँ की बेताबी की हद ना थी, वो बेताब थी। हर तरफ मायूसी के साए फैले हुए थे, कभी बच्चे को देखती, कभी आसमान की तरफ निगाह उठाती, मगर नाकाम वापस आती। इसी तरह पहाड़ियों पर दौड़ रही थी कि 6 फेरे मुकम्मल हो गए। 7वीं मर्तबा अल्लाह से दुआ करती हुई दौड़ी और वापस आई तो देखा कि बच्चे ने बेताबी से जहां एड़ियां मारी और रगड़ी थी, वहां से पानी का चश्मा फूट रहा है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बच्चे को पानी पिलाया, खुद पिया और चश्मे के गिर्द पत्थरों की मेंड बना दी और फरमाया कि जमजम, यानी ए पानी ठहर जा। इसी से चश्मे का नाम भी जमजम हुआ और चश्मे का मुकद्दस पानी जमजम कहलाया और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शफा का पैगाम लाया। अरब के बद्दू पानी की तलाश में रेगिस्तान के जर्रे जर्रे का मुँह देखते हैं। एक बद्दू ने पानी पाया तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से पानी पीने और अपने ऊँट को पानी पिलाने की इजाज़त मांगी। आपने बड़ी खुशी से इजाज़त दे दी और आखिर वो वहीं खैमा लगाकर बैठ गया। पानी बड़े ज़ोरों में निकलता रहा, भरता रहा, फलता रहा। सहराई बद्दू आते गए और इजाज़त पाकर चश्मे के गिर्द आबाद होते गए, हत्ता के पहले खैमों का शहर बसा, फिर पत्थरों के मकानों का शहर आबाद हुआ। प्यारे बच्चों, ये तो आपका मज़मून है, इसको आप नीट कॉपीज पे लिखिएगा, इसको याद कीजिएगा, क्योंकि आपका जो तमाम काम है वो आपकी नीट कॉपीज पर चेक किया जाएगा। शुक्रिया।